हेलो दोस्तों, बाबा टायर सर्विस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आपके लिए एक वीडियो और लेके आए हैं हम। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, C8 की ट्यूब आई है दोस्तों, इसकी नलकी उखड़ चुकी है, ये देखिए। एक्चुअली हुआ कि ये पंचर था, एक किन लगी हुई थी और साथ में कम हवा होने की वजह से चढ़ के आ गया इस पर और इसकी नलकी जो है पूरी तरह से निकल चुकी है। तो इसको हम रिपेयर करेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारे पास पुरानी नलकी है। किसी मोटरसाइकिल की जैसे ख़राब ट्यूब होती है तो उसकी नलकी निकाल के रख लेते हैं, तो हम इस नलकी को इसमें लगाएंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक बनी बनाई नलकियाँ आती हैं उसको पर रगड़ा और उसको चिपका देते हैं, बट ये जुगाड़ एकदम पक्का जुगाड़ है। इसको देखिए, इस तरह से पहले चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेनी है, थोड़ी बड़ी रखनी मोरे से। उसके बाद सोल्यूशन ट्यूब लगाना है उस पर नाली पर और उस पर जो ट्यूब पर सोल्यूशन लगाने के बाद इसे आराम से अंदर इसके चली जाएगी। देखिए कितने प्यार से, 1% का भी जोर नहीं लगा और आराम से इसके अंदर चली गई है। इसको साइड पे कर देंगे एक बार डाल के। अब आगे का काम शुरू करेंगे। तो आगे क्या करना है दोस्तों, इसको जो रेगमाल से ना, इसको जो उसके चारों तरफ के किनारे, इसको अच्छी तरह रगड़ना है। तुम जितना साफ करोगे उतनी अच्छी नलकी लगेगी, और गारंटी देता हूँ अगर ये नलकी लीक हो जाए ना, तो मतलब मैं ये काम छोड़ने को तैयार हूँ यार। अगर मतलब आप कहो कि ये बिना वजह से नलकी उखड़ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने बचपन से शॉप पे बैठ रहा हूँ पापा के साथ। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, अभी तक की जो मेरे को उस अपने पंचर पे बहुत विश्वास है। दोस्तों आप भी ट्राई कर सकते हो, ये पंचर कभी भी नलकी कभी भी नहीं लीक करेगी। बस लीक करेगी तब जब अगर ट्यूब में पंचर हो जाएगा या कस्टमर कम हवा में चढ़ के आ जाएगा, तब ये लीक होएगी। अदरवाइज़ इसका कोई चांस नहीं है कि लीक हो जाए अपने आप। तो अब इसके लिए क्या है, पंचर लगाने के लिए क्या करना है, हमने ट्यूब की जो रबड़ होती है साइकिल की रबड़, उसको कटिंग करेंगे इस तरह से गोल प्रॉपर। इस पर कोई पंचर ओमनी ओमनी का कोई पंचर कुछ नहीं लगाना, काट के सिंपल सा काम करना है। हमने बहुत ही मजबूती का काम बनेगा, ये देखना है। इसको चारों तरफ से अच्छी तरह रगड़ेंगे, इसको जितना तुम रगड़ सकते हो उतनी अच्छी तरह इस पर रगड़ो। हो सके थोड़े थोड़े इसमें खड्डे भी पड़ जाए ट्यूब में, जितने मैंने कहा ना, जितना अच्छी से सफाई करोगे उतना अच्छा पंचर बनेगा। ये देखिए, इसको चारों तरफ से घिसाई कर लेनी है अच्छी तरह। घिसाई करने के बाद इसमें छोटा सा मामूली सा ब्लीच सा चेक करना है, जिसमें से बस नलकी बाहर आ जाए। हमने छेक को ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना, अदरवाइज़ अगर ये छेक ज़्यादा बड़ा हो गया ना, तो ये पंचर लीक करेगा ही करेगा। जितनी मर्जी वाशले रख के कस लेना, ये पंचर नहीं टिकेगा। जब हम छेक करते हैं इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है हमें। अब इस पर हम सोल्यूशन ट्यूब लगाएंगे जो हमने घिसाई करी है। दोस्तों मैं टक डायमंड का सोल्यूशन यूज़ करता हूँ। अब जब तक ये सूखेगा, हम इस रबड़ पर भी सोल्यूशन लगा लेंगे। याद रखना, सोल्यूशन लगाने के बाद कम से कम, ज़्यादा नहीं तो उसको आधा मिनट सूखने देना है, क्योंकि जितना सूखेगा सोल्यूशन उतना पकड़ करेगा। ये देखिए, तो दोस्तों अब इसको ध्यान से देखना, इसको लगाना कैसे है। इस तरह से लगाना कि जो मतलब इसका छेक है नाली का, वो छेक से छेक बराबर मिले, कहीं ऊपर नीचे साइड से ना हो। अगर साइड से होगा, जब हम ज़बरदस्ती नलकी लगाएंगे तो उसका मुंह फिर से खुल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हाँ अब नलकी के ऊपर कसने के लिए सामान चाहिए हमारे को। ए रबड़ की एक वाशल चाहिए, एक ये साइकिल की वाशल चाहिए, एक ये मोटरसाइकिल के जो नट होते हैं, साइकिल के जो रक्शे के नट होते हैं नलकी पर, एक वो नट चाहिए। तो अब जो मेन काम है वो हमारा यहाँ से शुरू होगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक वीडियो देखना, और हो सके लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। नवे हो तो फिर पता ही है तुम्हें, जुड़ जाओ हमारे साथ। और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट किया करो, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये देखिए, नलकी को इस तरीके से इसको आराम से बाहर निकाल लिया है। दोस्तों हमने इसके ऊपर रबड़ की वाशल रख ली है, एक वाशल और रखेंगे 10 नंबर ही। उसके बाद जो मोटरसाइकिल की ट्यूब में सिल्वर की वाशल निकलती है वो रखनी है, और एक ही आता है साइकिल या रक्षे की ट्यूब में नट निकलता है 10 नंबर का, वो नट कसना है इससे, क्योंकि वो नट पूरी तरह कस पाएगा। जो मोटरसाइकिल के ऊपर नट होते हैं 10, 11, 12 नंबर का, 13 नंबर का, वो नहीं कसना, उससे पूरी पकड़ नहीं होती। तो दोस्तों ये थी आपके लिए वीडियो,
कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर, लाइक शेयर कमेंट करते रहना और भाई के साथ जुड़ जाओ। और वीडियो देखना चाहते हो तो धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए।